हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, रजनी जाफर ब्लॉग्स। एंड आज है सैटरडे वीकेंड और आज हो रही है बारिश हमारे यहाँ पे सुबह से। मतलब कोई बहुत तेज़ वाली नहीं हो रही हालांकि, बट लेकिन हल्की हल्की सिर्फ बूंदें गिर रही है और चल रही नॉन स्टॉप है। तो अच्छा तो मौसम हो रखा है, मस्त मौसम हो रखा है आज। तो मज़े ही आ रहे हैं, सुबह से हमने उठ के चाय वाय पिए, ब्रेकफास्ट किया और आज काफ़ी सारे काम है। एक तो हमें बाहर जाना है, मतलब बाहर इन द सेंस कोई फंक्शन में जाना है, जो भी जाना है, तो काफ़ी दूर है वो एक्चुअली। तो पहले तो मेरा तो कैंसिल था क्योंकि ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारा बच्चा आ गया पीछे से। सो बस ये इसी की वजह से, इस लड़की की वजह से मुझे लगा ये ड्राइव में बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, 4 घंटे तो हमें आने जाने में लग जाएंगे। तो फिर बट अमित बोले कि मैं अकेला बोल जाऊँगा इतने टाइम में ड्राइव करूँगा, कि ऑफिस में भी जाना ज़रूरी है। तो फिर हमने सोचा चले ही जाते हैं घर पर बैठ के, भी क्या ही उखाड़ लेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी, अगर ये सो जाती है दिन में अच्छे से तो पूरा टाइम अच्छा सा निकलेगा, अदरवाइज तो लेट्स सी। एंड दूसरा, आज हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में फिर से तीज सेलिब्रेशन का वो है, क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन काइंड ऑफ, और ऐसा कुछ इवेंट्स वगैरह करना चाह रही थी कि मैं लाइक ये वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाना है मुझे। और मेरे को कल तो मुझे जाने का था नहीं, लेकिन अभी आज सुबह प्लान बना है तो मेरा अर्बन क्लब बुक नहीं हो रहा है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, जो कि बारिश के अंदर मुझे जाना बहुत जोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। बट क्या करें, अब करवाना तो पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता तो भी करवाती, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो फिर मेरे से नहीं सूता यार माथा पच्ची, यार मुझे इतना ज़रूरी भी नहीं लगता है सच बताऊँ तो। सच में मैं ऐसे ही कहीं पर उठ के जा सकती हूँ, और नहीं हुआ तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं शादियों में भी गई हुई हूँ कई बार, तो मुझे इतना इन सब चीज़ों से नहीं है। चलिए शेयर करते हैं आज का दिन आपके साथ, और बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोग क्या अभी रुक जाओ ना, जब वीडियो बन जाएगा तब आओ इधर आओ, बोलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब। लाइक नहीं करोगे तो बहुत 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 बुरा लगेगा भाई। लेकिन आपको लाइक करना होगा तो लाइक भी कर सकते हो, आपको उठाना नहीं है, लेकिन लाइक करके सब्सक्राइब करके ही रखना होगा, अपलोड करना ही होगा। अपलोड तो हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है। इनको बोलो आप सिर्फ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बहुत एहसान हो सकता है, लेकिन बहुत बुरा हो सकता है, आप भी बहुत चौंक जाओगे भाई। बहुत एहसान होगा तुम्हारा हम पे, बहुत एहसान हो सकता है ना भाई, एहसान कर लो हम पे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, बच्चे ने बोला है कि हम पे एहसान कर दो, तो थोड़ा सा तो कर दो भाई अब तो, है ना। चलो बाय 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 बाय, नहीं सॉरी, बने रहिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये पीहू हो गई, रेडी हो गई है, छिनी एकदम क्यूटी क्यूटी पाय, प्रीटी प्रीटी और प्रीटीएस्ट बन चुका है। एंड बाहर मौसम भी ठीक ठाक हो गया है, मतलब बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, तो फिर मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए और अब थोड़ी सी सफाई भी कर दी है मैंने, घर की जो भी साफ सफाई होती है, क्योंकि आज है रामदेव जी की बीच और अभी हमारे घर में ज्योत होगी रामदेव जी की, तो बस इसलिए साफ सफाई हो गई। अब नहाऊंगी फटाफट से जाके, सारा काम हो चुका, फिर बनाएंगे खाना, लंच, ब्रेकफास्ट हम सब लोगों का हो चुका है, और मिलते हैं बाद में। चलिए बाय बाय बाय। सो गाइस, मैं अभी थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ, 5 बज चुके हैं, हमें निकलना है अभी, बट अब मैं जो वही करवा रही, वैक्सीन तो मैं नहीं करवा रही, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो सोसाइटी के अंदर ये 2 सैलून, उनमें से जो भी ओपन होगा उसमें चली जाऊँगी मैं, देखते हैं। और अभी मेरे को वापस जाके रेडी भी होना, मेकअप करना है, मेकअप इन देंस थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ करूँगी, हेयर बनाना है और कुछ पहनना है कानों में, अभी तो मैं ऐसे कपड़े पहन के आ गई हूँ। चलो और कर, अरे उसको आती नहीं थी बच्चे से, ये एक लड़की थी, हाँ तो यहाँ मुझे थोड़ी बताया था, वो तो अंदर बैठी थी, उसको बाहर बुलाया, ऐसे गंदे से बनाई है ना यार, अब लग रहा है कैसे बनाई हुई आपको, इतनी दर्द हो रही है यहाँ से मेरे, मैंने सुत्ता बोला, मैंने कहा स्किन बहुत सेंसिटिव है मत करना, इतने गंदे से बना दिए। सो हम रेडी हो चुके हैं, पियो हमारे आधा जरूर रेडी हुआ, गाड़ी में बैठी थी, 2 घंटे में वैसे ये पूरी हो जाएगा और हमें जाने जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। लिपस्टिक मैचिंग मिली नहीं थी तो ये लगा थी, नेल पेंट लगाई नहीं है, इयर रिंग्स ये वाले पहने मैंने, और सूट। कैसा लग रहा है बिट्टू मम्मा, हमारा पियो कैसा लग रहा है? सबसे प्रिटी sick of being the monster out of my head under my bed think you're something
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you. और यहाँ पे हम लोग एंड कर चुके हैं प्रगति टनल में, जो कि प्रगति मैदान के वहाँ बनी हुई है। और ये सिटी की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जो कि 1.3 किलोमीटर है। और ये अभी रिसेंट ही मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 19 जून को। बस इससे क्या है कि थोड़ी कनेक्टिविटी इजी हो जाती है दिल्ली की और नोएडा, गाज़ियाबाद, इन सब की ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी से, ताकि थोड़ा सा क्या है ट्रैफिक भी कम हो और फटाफट से लोग जल्दी मूव हो जाए, इसलिए टनल का इनॉग्रेशन किया। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब इसके जो वॉल्स पे जो वर्क हो रखा था, जो भी मतलब काम किया हुआ था इसको, इतना सुंदर इसकी लाइटिंग वाइटिंग इफेक्ट्स, मतलब पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर अंधेरा है पूरे टनल के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर इनके जो भी हमारी जो गाड़ियों का धुआं वगैरह निकलने के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. अच्छा, इतनी सी गली, इधर मंडी लगा दी है, इधर गाड़ियां पार्क हो रही है। इतनी क्यों छोड़ रखी है, इस पर भी बैठ लगा के सो जाओ, आदमी को पता चले यहाँ से बस गाड़ी यहाँ पे सिर्फ बैग जाएगी या आगे जाएगी, बस कुछ नहीं हो सकता। और ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग, कोई जगह ही नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, कब से घूम रहे हम लोग। उसने तो घुमा ली भाई, एक्सपर्ट है वो तो इन गलियों के अंदर का। ये है दिल्ली की गलियां, तंग गलियां, यहाँ पे जो घर बने हुए ना, इन 100 मीटर्स टर्न लेफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रीट नंबर 1, घर बन रखे हैं ना, मतलब जो कल वाला वीडियो था तो वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि कल काफी सारे प्लान थे। लाइक मैंने कहा था हमारे सोसाइटी में एग्जीबिशन है, तो वहां भी हम जा नहीं पाए, और क्योंकि हम सो गए थे एक्चुअली, नींद आ गई थी। फिर जैसे उठे शाम को 4 बजे, तो हमें 5 बजे निकलना था जहाँ हमें जाना था, क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी, लाइक 55 किलोमीटर थी, मतलब आना जाना ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर था। तो फिर वहाँ के लिए भी जल्दी से निकलना था, जहाँ पे हम लोग डिनर करने गए थे वहाँ पे, इसलिए मैं निकल कर ब्लॉग को ज़्यादा शूट किया नहीं, तो सोचा आज कंटिन्यू कर लेते और ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग आ गए हैं दूध लेने के लिए। एक्चुअली क्या है कि चाय पीने का मन हो रहा था, वैसे बहुत रेयर होता हम लोग चाय नहीं पीते, बट आज काफ़ी मन हो गया था, सोचा कि चाय पीते हैं। और दूध हमारा फटने लग गया था, जैसे चाय बनाया दूध फट गया था, हमने शायद दूध लेके आया था, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छी डेयरी मिली है और इसका दूध बहुत अच्छा मिलता है, दूध पनीर छाछ दही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम लोग ना हमेशा वो दूध मंगवाते हैं पैकेट वाला, कंट्री डिलाइट वाला या ये सब कुछ ही, बट उसमें क्या है कि पैकेट वाले दूध की मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं चाय पीती नहीं थी, हम लोग बनाते नहीं है। बट जब से हमने ये वाला दूध स्टार्ट किया ना, तो उसकी चाय इतनी अच्छी बनती, जैसे मतलब हमेशा घर पे बनती थी, अपने भाई घर पे दूध देने के लिए आते हैं भैया लोग, गाय का जो ओरिजिनल मतलब प्योर दूध होता है। अब पैकेट वाले तो वही है कि पैक्ड होते हैं, बहुत टाइम के होते हैं ये वो, तो उसमें जो एक हल्की सी स्मेल रहती है वो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब मुझे तो बहुत पता चलता है। अमित को इतना नहीं वो फर्क पड़ता, वो तो पी लेते चाय, बट मैं कभी नहीं पीती। और भैया चाय पीने का मन हो रहा था, दूध फट गया था, हमने सोचा चलो अब दूध लेके आते हैं। और हम लोग सब साथ में लटक गए कि अम्मी चलेंगे साथ में, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, तो सोचा सुबह सुबह ड्राइव हो जाएगी, संडे है तो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और आज है आएंगे और बस कुछ नहीं करेंगे, आज तो संडे है तो बस आराम करेंगे, कल सब कुछ काम हो चुका हमारा, और बस खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे एंड रेस्ट और देखेंगे। सो मैं वेट कर रही हूँ, पीयू और उसके पापा दोनों गए दूध लेने के लिए, दोनों मतलब वो भी साथ में लटक गई, पता है जाऊँगी दुकान पर तो चार चीज़ लेके आऊँगी, तो बस इसीलिए। एंड हैप्पी चाय, चाय वाले भैया के पास जा जाओ, आप नहीं खाओगे छोटू? ले पियो बिट्टू, ये वाला हो, हाँ ये अच्छा दिया है पापा ने, क्रंची क्रंची दिया है, क्रंची क्रंची सा है, इसमें मसाला भी नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खाना, अच्छा है बिट्टू, खा ले, कैसा है, अच्छा है। गाइस हमने यहाँ पे किया यम्मी सा ब्रेकफास्ट, इतना अच्छा डोसा इडली वड़ा यहाँ पे मिलता है ना, सामने इतनी छोटी सी स्टॉल है, सिर्फ एक अंकल है उनका बेटा बनाते हैं, और इतनी भीड़ पड़ रही है यहाँ पे। हम लोग गए ना उसके बाद से कम 10 गाड़ियाँ आके रुकी और कम से कम 15-20 लोग यहाँ पे अभी भी एट प्रेजेंट खड़े हैं। वो इतना अच्छा बनाते हैं, इतना टेस्टी बनाते हैं ना लोग, मतलब फ़ैन है। और इनके पास में एक चाय की स्टॉल है और वहाँ पे हमने पी चाय, मज़ा आ गया, लाइक सुपर्ब संडे। इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ के वेटिंग के लिए खड़ी और वो रहे वो वहाँ पे बनती, बस एक छोटी सी टेबल लगा रखी, कुछ भी ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है, बस टेस्ट है,
सिर्फ टेस्ट अंकल का, और इतने लोग वेटिंग में खड़े, कब से ये सारी गाड़ियां उनके यहीं के लिए खड़ी है।